मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इंदौरा दौरा और क्षेत्रवासियों को इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से करोड़ों की सौगात मिली है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इंदौरा दौरा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी है, साथ ही करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की और आम जन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ मुख्यमंत्री की ओर से की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं होती तो इस तरह के कार्यक्रम करने संभव नहीं थे। वैक्सीन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी सवाल उठाए और मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए फिर वही वैक्सीन लगवाई, तो मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया गया, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने की तो वहीं क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। अगर ये कोविड का दौर समाप्त नहीं हुआ होता, कम नहीं हुआ होता, तो आज भी हम आपको कहते कि मैं इंदौर आ रहा हूं, लेकिन 100 आदमी आएंगे, 150 आदमी आएंगे आपके बीच में, या वर्चुअल कार्यक्रम शिमला से करने की स्थिति में होगा। भाइयों बहनों, अगर आज हम हजारों की संख्या में यहां पर इकट्ठा होकर के सामूहिक में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आज हम सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आप कल्पना करिए, अगर ये वैक्सीन नहीं बनी होती, ये वैक्सीन नहीं लगी होती, आज बहुत सारे लोग आज भी संक्रमित होते। हमारे विपक्ष के लोगों ने कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिशें की। कुछ लोगों ने कहा ये तो मोदी वैक्सीन है, कुछ ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, लगाओगे मालूम नहीं क्या साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर से हिमाचल के भाई और बहनों का, तो हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। किसी ने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी ने वैक्सीन बना करके जो है साइंटिस्ट के माध्यम से जो दी है उसको हम लगाएंगे, और लगाने के लिए कतारें लग गई। लंबी लंबी कतारों में लोगों ने वैक्सीन के अभियान में सहभागिता दी, सहयोग किया।